अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कबाब एंड बिरयानी कुजीन। आज मैं बना रही हूँ बकराईद स्पेशल बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त से गोट पाए, जिसकी ख़ास बात यह है कि मेरी फैमिली और फ्रेंड्स में बहुत पसंद किए जाते हैं और जब भी मैं बनाती हूँ तो तारीफ़ों के पुल बन जाते हैं, क्योंकि ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान और जायके में लाजवाब है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर की जाए। पाए वैसे भी बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस हैं, क्योंकि इसमें नेचुरली एक जेलेटिन मौजूद होता है जो कि आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसलिए ये पाए ग़िज़ा भी हैं और दवा भी। ईद हो, नाश्ता, लंच या डिनर, ये पाए हर ओकेजन को स्पेशल बना देते हैं। अगर आप मेरी तरह ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और साफ़ सुथरे हाइजेनिकली क्लीन पाए की तलाश में हैं तो सनी मीट्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैंने भी ये पाए सनी मीट से लिए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक बाल भी नहीं लगा हुआ, ये ऑलरेडी बिल्कुल साफ क्लीन पाए थे। अगर आप चाहें तो इनको छोटे पीसेस में कट भी करा सकते हैं, मैंने इनको फुल रखा है। पाए बनाने के लिए सबसे पहले हम इनको बॉयल करेंगे और आपने इसमें इतना पानी डालना है कि पाए बिल्कुल इसमें डूब जाए, और साथ में इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून सॉल्ट। मैंने तकरीबन 2 किलो पाए लिए हैं और ये 10 से 12 पाए हैं। अब हम इनको बॉईल करने के लिए रख देंगे। अभी देखें इसमें उबाल आ गया है, इसको हम वक्तन फवक्तन चलाते रहेंगे और हल्की आंच पे इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए पकाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। अगर आप चाहें तो आप प्रेशर कुकर में भी इसको बॉईल कर सकते हैं, तकरीबन 15 से 20 मिनट में प्रेशर कुकर में ये अच्छे तरीके से गल जाएंगे। अब 2 घंटे हो गए, अब हम इसकी सिचुएशन चेक करते हैं। पाए बिल्कुल गल गए होंगे। अब ये देखें, ये हड्डी से गूदा इसका सेपरेट होने लगा है, दैट मीन्स कि ये बिल्कुल टेंडर हो गए हैं पाए हमारे। अब मैं एक बाउल में ये सारे पाए जो हैं वो निकाल लूँगी, इसका स्टॉक और पाए अलग अलग कर लेंगे। ये सारे पाए जो हैं वो हमने इसमें निकाल लेने इस तरह, और इस वक्त आपने केयरफुल रहना है क्योंकि स्टॉक भी बहुत गर्म होता है और पाए भी, तो इसको हमने बहुत एहतियात से स्टॉक को भी अलग बाउल में निकाल लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हमने मसाला बनाना है, उसके लिए हम सबसे पहले एक पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, 1 बड़ा टुकड़ा जो है ये अदरक का है, और 8 से 10 जवे आप ले सकते हैं गार्लिक के, लहसुन के, और मैं अब इसको चॉपर में डाल के इसको अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे। देखिए हमारा पेस्ट इसका प्याज लहसुन और अदरक का रेडी हो गया। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे, अराउंड 1 कप मैंने इसमें ऑयल लिया है। पायों में उसकी चिकनाई ऑलरेडी होती है तो इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। 1 कप मैंने इसमें ऑयल डाला है। ये मैंने 2 प्याज लिए हैं, इसको मैं बारीक स्लाइस कर लूँगी। अब ये मैंने प्याज जो स्लाइस की थी ये हम ऑयल में डाल देंगे। अब प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लें, जब ये हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज अभी हमारी ब्राउन हो रही है, ठीक है, अभी हमने इसको थोड़ा सा और ब्राउन करना है। इतनी देर में हम मसाला बनाते हैं। ये जो मैंने पीसा था मसाला ये मैं एक बाउल में डाल दूंगी, ठीक है, ये सारा मैंने डाल दिया। अब इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून सॉल्ट। सॉल्ट हमने पहले डाला हुआ है अपने पाए में तो इसलिए हम ज़रा देख के इसको डालेंगे। 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, और ये 2 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, और ये सारी चीज़ें डाल के इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी और इस सारे मसाले को हम
मिक्स करने के। और ये मसाले के लिए पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, अच्छा सा इसका कलर आ गया। अब इस स्टेज पे मैंने ये सारा जो हमने पेस्ट बनाया था मसाले का, ये इसमें ऐड कर दिया और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इस मसाले को हमने भूनना है अच्छे तरीके से, जब तक ये ऑयल सेपरेट ना हो जाए इसमें से। मसाला ये अच्छे तरीके से भून गया, ठीक है। देखिए इसका ऑयल भी अब सेपरेट हो गया, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ऑयल, ठीक है। अब ये जो मैंने पाए निकाल के उस वक्त रखे थे, ये पाए मैं इसके अंदर ऐड। इसको हल्का सा हम चलाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी गले हुए हैं। अब हम अगर इसको चमचा ज़्यादा लगाएंगे तो ये फिर टूट भी सकते हैं। हमने इनको तोड़ना नहीं है, इनकी खूबसूरती इसी में है कि ये जो हैं हड्डी के साथ इस तरह पूरे लगे रहें लेकिन गल भी जाएं। तो गले हुए तो ये काफ़ी है, बस इसको मैं हल्का सा ये भून लूँगी। इसमें मसाला जो है वो रश फंस जाता है इस तरह से अगर आप इसको भून लेते हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये इसका सूप जो हमने पहले निकाल लिया था, ठीक है। इसमें सारा ऐड करते हैं, इसको आप मिक्स कर लें थोड़ा सा। अभी हम इसको ढक के रख देंगे, इसके उबाल आने का वेट करते हैं। खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है, पाए भी अच्छे से गल गए हैं और शोरबे का कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया। पाए हमारे बिल्कुल रेडी हो गए। अब इसके अंदर ये 1 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। पाए हमारे बिल्कुल तैयार हो गए। अब हम इसको गार्निश करेंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें, लीमू और अदरक के साथ। आप इस बकरीद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये पाए बहुत ज़बरदस्त मज़े के बनते हैं। आप ये पाए गरम गरम सर्व करें नान और तंदूरी रोटी के साथ तो इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। और मेरे चैनल कबाब एंड बिरयानी कुजीन को सब्सक्राइब करें और साथ में ये बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। पाए की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप देना मत भूलिएगा। Thanks for watching. Take care. Allah Hafiz.